हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में दोस्तों। तो यार ये वीडियो में यार आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस आया है, कमेंट्स आया कि यार बाकी सारा फ़ोन जो आपका कवर नहीं करता, जैसे कि पोको F1 हो गया, रेडमी का 7A 6 सीरीज़ और साथ साथ रेडमी का जो 5 सीरीज़ है उसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए मैं लाया हूँ कि क्या स्टेटस है अभी MIUI 12 अपडेट का, कब तक जाके जो आपको इंडिया में बहुत सारे एलिजिबल डिवाइसेज को अभी तक जो अपडेट नहीं मिला है, तो यार ये सारे डिवाइसेज को कब तक MIUI 12.0.2.0 का जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगा, तो इसी के रिलेटेड जो ये वीडियो होने वाला है। तो काफी छोटा सा वीडियो रखूंगा दोस्तों, इसमें जो है बस आपको जो स्टेटस है अभी करंट में क्या चल रहा है, कहां तक टेस्टिंग हुआ है, कहां तक नहीं हुआ है, कब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि MIUI 12 आएगा, तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो यार फटाफट से यार वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यार अगर आप नए हैं हमारे चैनल में, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो MIUI से रिलेटेड और टेक्निकल वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे एक छोटे से चैनल का पार्ट बन जाइएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन को टर्न ऑन जरूर से कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे MIUI 12.0.2.0 का जो अपडेट का स्टेटस है फोन्स के लिए उसके बारे में। तो सबसे पहले तो यार पोको F1 कवर करने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी का यार बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि यार पोको F1 आप लोग जो है बात नहीं करते। तो पोको F1 के लिए यार इंटरनल टेस्टिंग अभी चालू हो गया है इंडिया में और अक्टूबर मंथ में जो है एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं कि अक्टूबर मंथ में ही आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। आपको जो है अक्टूबर का पहले यानी कि सेप्टेम्बर का मिड वीक से जो है अपडेट मिलना चालू हो सकता है, जो कि पब्लिक रोल आउट है, क्योंकि पोको F1 को यार बहुत टाइम हो गया है, एक भी लेटेस्ट अपडेट नहीं मिला है। तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस कि सितंबर का मिड वीक तक अगर सब कुछ ठीक रहा, टेस्टिंग हो गया और टेस्टिंग में कोई बग्स नहीं मिलता है, तो आपको जरूर से मिड सितंबर से अपडेट मिलना चालू हो जाएगा पोको F1 डिवाइस के लिए दोस्तों। तो अभी बात करेंगे रेडमी का बजट कैटेगरीज का स्मार्टफोन, जैसे कि रेडमी का 8A हो गया, 7A हो गया, इसके बारे में। तो ये चारों ही फोन के लिए अभी फिलहाल टेस्टिंग चल रहा है, अभी भी जो है एक को भी अपडेट देखने को नहीं मिला और ना ही जो ये लोग का टेस्टिंग चालू हुआ है। तो ऑब्वियस सब बात है यार, आपको जो ये सारे फोन में आते आते पहले तो ऑफकोर्स 8 सीरीज को मिलेगा, यानी कि रेडमी का 8 और 8A हो गया, वो सबको जो है पहला अपडेट देखने को मिलेगा, और वो सबका जो अपडेट है वो सितंबर मंथ का एंड से चालू हो जाना चाहिए। हालांकि उसका पहले भी हो सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड यार अभी भी कोई भी न्यूज़ नहीं है। अगर आप लोग कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो यार हर वेबसाइट में जो एक ही चीज़ लिखा गया है, कमिंग सून या फिर जो है सेप्टेम्बर या फिर अक्टूबर का मंथ दिया गया है। तो जैसे ही यार कोई इन्फॉर्मेशन आता है रेडमी 7, 7A, 8, 8A से रिलेटेड, मैं जो है तुरंत वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए तो यार आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ का लास्ट तक ही जो अपडेट आ जाएगा दोस्तों। तो अभी अगर बात करें रेडमी का 7, 7S, 7 Pro, 8 और साथ ही साथ 8 Pro को तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अपडेट रिसीव हो गया है। तो ये सारे फोन्स का अगर बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, रेडमी का जो Y3 है उसे एकदम लेटेस्ट अपडेट दिया गया था कुछ दिन पहले, और साथ ही साथ रेडमी का जो 7 Pro है उसे भी जो है 3-4 दिन पहले एंड्रॉयड 10 का जो पब्लिक रोल आउट है वो मिल गया रहा। तो क्योंकि जो ये दो फोन्स को एकदम लेटेस्ट अभी अपडेट डायरेक्टली मिला है इंडिया में, तो नेक्स्ट अपडेट आते आते तो यार काफ़ी टाइम लगने वाला है। हो सकता है कि यार नेक्स्ट मंथ का मिड वीक से ही आपको मिल जाए, लेकिन अभी ये तो एक्सपेक्ट मत कीजिए क्या कि अभी जस्ट आपको अपडेट मिला है। जैसे कि आपको मालूम है 7 Pro को जो अभी जस्ट एंड्रॉइड 10 मिला है, इसके बाद जाके अभी थोड़े दिन बाद ही जो है MIUI 12 का जो अपडेट है वो दे दिया जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अपडेट आने के बाद लेटेस्ट जो अपडेट आता है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है शामी को नेक्स्ट अपडेट प्रोवाइड करने में, और ऐसा जो है हर बार होता है, हर बार जो शामी डिले करता है। तो इसी के रिलेटेड यार 7 Pro का और Y3 का तो जो है अभी लेटेस्ट अपडेट दिया ही गया, तो उसके रिलेटेड यार टाइम लगने वाला है ये दो फोन्स के लिए। और अगर बात करें रेडमी का नोट 7, 7S के लिए, तो जी हाँ दोस्तों 7, 7S का काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है अपडेट रिसीव करने का। अभी जो है कह नहीं सकते, रिलीज डेट तो एग्जैक्ट मालूम नहीं है किसी को भी, लेकिन मान के चलेगा सेप्टेम्बर मंथ में ही आपको जो अपडेट देखने को मिल जाएगा, कभी भी दे सकता है शामी, कभी भी पुश कर सकता है। तो सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और अभी अगर बात करें रेडमी का नोट 5 Pro, रेडमी का 6, 6A स्मार्टफोन के बारे में, तो उसके लिए तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, अभी फिलहाल के लिए कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। पहले जैसे ही जो है ये सारे फोन्स जो कि लेटेस्ट हो गया, नोट्स 8 सीरीज 7 सीरीज, ये सब का अपडेट मिलने के बाद ही जो है ये सारे फोन्स के बारे में शामी सोचेगा। अभी तो फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं निकला है ये सारे फोन्स के लिए, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जैसे ही कोई अपडेट आता है इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो फिलहाल आई होपफुली यार मैंने जो है सारा फोन्स कवर किया। अगर रेडमी Y2 का बात करें तो Y2 का भी सेम हालत है, क्योंकि अभी भी जो अपडेट पोस्टपोन होकर रखा है। रेडमी नोट 9 को हालांकि यार अपडेट रिलीज हो गया, बहुत जन बोल रहे थे इंडिया में कि रेडमी नोट 9 इंडिया का मॉडल को रिलीज हो गया है, लेकिन ये चीज़ जो मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे व्यूअर्स में ज़्यादा जन रेडमी का नोट 9 यूज़ नहीं करते हैं। और अगर बात करें दूसरे नोट 9 सीरीज के फोन्स के बारे में, तो यार अभी भी कोई भी फोन्स को अपडेट इंडिया में देखने को नहीं मिला है, लेकिन सेप्टेम्बर का जो मंथ है उसमें आपको जरूर से अपडेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया हूँ सारा जो फोन है उसका स्टेटस बताने के लिए कि कहाँ तक टेस्टिंग हुआ है, कब तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि MIUI 12 का अपडेट आपके फोन में दे दिया जाएगा दोस्तों।
दोस्तों। तो फिलहाल यहीं तक ही वीडियो का एंड कर देते हैं। होपफुली यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो का एक लाइक कीजिएगा। लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का जो बेल है वो बजा दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।